बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, मेरा नाम कामरान मेमन भावानी है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब का चैनल जहां पर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली व्यू आपके साथ शेयर करता हूं। हम जो भी यहां पर रिसर्च शेयर करते हैं इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है, क्योंकि ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए होता है। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम यहाँ पर स्पेशल सेगमेंट के साथ हाजिर हुए हैं, क्योंकि आज हम आपको उन आइटम्स के बारे में बताएंगे जो तेज़ी से बढ़ रहे हैं और उनमें आपने किस तरह से अपने आप को जो है वो सेफ रखना है, क्योंकि बहुत से ऐसा भी होता है कि जो आइटम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं तो लोग क्या करते हैं कि उसके अंदर ट्रेडिंग के लिए कूद जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि आइटम्स जो है वो कहाँ से चले हैं और कहाँ पर जो है वो हाईली रिस्की तो नहीं है या डेंजर साइड पर तो नहीं हम ले रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए, तो कोई स्टॉपर के साथ तो नहीं ले रहे, लेकिन उसके बुरे नतज हो सकते हैं। इसके अलावा जो न्यू इन्वेस्टर होते हैं उनको जैसे उनकी भी अवेयरनेस नहीं होती है, वो क्या करते हैं कि स्टॉक को देख रहे होते हैं, हम देख रहे थे कि रोज़ाना के कुछ आइटम्स ऊपर के लॉक की तरफ जा रहे हैं तो वो भी खुद पढ़ते हैं बिना कोई रिसर्च किए, बिना कोई स्टॉपर लिए, तो होता ये कि वो स्टॉक गिर जाते हैं, फिर उनके जहन यही बन जाता है कि यार स्टॉक मार्केट में बेहतर जगह नहीं है। लेकिन हमेशा रिसर्च करें, हमेशा पास्ट ज़रूर देखा करें, फिर इसके बाद आप आइटम में बाइंग सेलिंग किया करें। इसके अलावा इसका हवाला हम इस तरह से देंगे कि पास्ट में एक आइटम हम नेटवर्क अप्रैल में 2 रुपये 19 पैसे से चला था, इसके अंदर एक न्यूज़ भी लगी थी, लेकिन इसके अंदर गैम्बलिंग इस तरह से हुई थी कि 2 रुपये 19 पैसे से ये चला और 17 रुपये 70 पैसे तक गया। अब रेगुलर बेसिस पे वो लॉक लगता था तो इन्वेस्टर क्या थे कि इनको ये था कि हम जल्दी से मुनाफा कमा लें या हम जल्दी से अर्निंग कर लें, तो वो इस चक्कर में इसको बाई 10 रुपये से बाई करना शुरू, क्योंकि उससे पहले मुसलसल लॉक लगते हुए आए तो 10 रुपये से ये चढ़ना शुरू हुए और 17 रुपये 70 पैसे तक गया। बहुत से इन्वेस्टर ने 17 रुपये और 17.5 रुपये भी लिया और बिना कोई स्टॉपर के। हुआ ये कि अप्रैल के मंथ में 17.70 का ही लगा, फिर जुलाई और सितंबर से लेके अब तक वो 6 रुपये 5 पैसे तक आ चुका है। अगर देखा जाए जुलाई से ऑनवर्ड गिर रही है और ये 6 रुपये 5 पैसे पर ट्रेड हो रहा है, तो जिन्होंने जो 17 पे लिया होगा 15 पे लिया होगा बिना किसी स्टॉपर के, बिना इसका रिव्यू किए हुए, वो आज पछता इसी ले रहे होंगे क्योंकि हमने इन्होंने कोई रिसर्च नहीं की। इस तरह से न्यू इन्वेस्टर भी खुद पड़े इसके अंदर और इन्होंने भी बाइंग की ये बिना कुछ इसकी कोई ना रिसर्च किए हुए, तो उनको भी भारी नुकसान हुआ। हम कोशिश ये करेंगे कि इस वीडियो में कुछ आइटम का जो है वो आपको यानी कि बताएंगे उसके बारे में, उनके एग्जिट एरिया भी बताएंगे और स्टॉपर भी बताएंगे कि आपने जो है उनके इनके जो है वो स्टॉपर ज़रूर लगाने हैं और एग्जिट एरिया का खास ख्याल रखना है। तो इस तरह कोशिश ये करेंगे कि आप मुख्तलिफ हम है ना कुछ जो भी हो सकेगा कुछ आइटम्स को हम रेगुलरली कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि उससे ये हो कि आपको एग्जिट का एक अच्छा मौका मिले और एंट्री का भी एक अच्छा मौका मिले। सबसे पहले हम बात करेंगे कोयल की। कोयल जो है वो आइटम जो है कोहिनूर इंडस्ट्री, देखा जाए तो अप्रैल में स्टार्ट हुआ था 2 रुपये 45 पैसे पे और देखा जाए तो 4 रुपये 36 पैसे का क्लोज हुआ अप्रैल से लेकर जून में, और तकरीबन देखा जाए तो 1 रुपये 15 पैसे का इजाफा हुआ एक क्वार्टर में। दूसरा क्वार्टर इसका स्टार्ट हुआ जुलाई से लेकर सेप्टेम्बर तक, 3 रुपये 65 पैसे पे इस ओपन हुआ और 6 रुपये 17 पैसे तक गया और देखा जाए तो 4 रुपये 60 पैसे पे क्लोज हुआ, 1 रुपया और 4 पैसे का इजाफा हुआ। अगर हम सितंबर की बात करें जो नया क्वार्टर स्टार्ट हुआ है, तो कोहिनूर इंडस्ट्री ने 4 रुपये 61 पैसे पे स्टार्ट हुआ ओपन हुआ और 10 रुपये 29 पैसे पे फ्राइडे वाले दिन ऊपर का लॉक लगा और इसमें इजाफा हुआ 5 रुपये 69 पैसे का। अब अगर कोहिनूर इंडस्ट्री की बात करें, कोयल की बात करें, तो ये आइटम आपका 2 रुपये 45 पैसे से मुसलसल अपसाइड की तरफ जा रहा है और इस वक्त 10 रुपये 29 पैसे पे, यानी कि हाईली रिस्की और हाईली डेंजरस साइड पर है। बढ़ने की वजह ये भी हुए कि टेक्सटाइल की पॉलिसीज वगैरह कुछ बेहतर भी आई हैं, लेकिन हाईली रिस्की हो चुका है एज पर टेक्निकल। अब रेजिस्टेंट एरिया जो बनता है इसका 11 रुपये का बनता है, अगर 11 के लेवल को सस्टेन कर लेता है तो 12 और 14 के करीब जा सकता है, अदरवाइज अगर 11 को ब्रेक करेगा तो 9 रुपये और यानी कि 11 को ब्रेक नहीं करता तो फिर ये यहीं ट्रेड होता रहेगा, और अगर ये 9 रुपये का लेवल ब्रेक करता है तो 7 रुपये से लेके 5 रुपये तक जा सकता है। तो ये हाईली रिस्की है, हाईली यानी कि हाई साइड पर है और 2 रुपये 45 पैसे से चला है। इसमें जो भी ट्रेड कर रहे हैं स्टॉपर के बगैर बिल्कुल भी काम ना करें और एग्जिट एरिया यही होगा कि 11 से लेके 12, 13, 14 ये आपका एग्जिट एरिया है।
कोहिनूर इंडस्ट्री अगर देखा जाए तो 2 रुपये 45 पैसे से चला और इस वक्त 10 रुपये 29 पैसे तक बढ़ चुका है, यानी कि आप देखो 7.5 रुपये बढ़ चुका है। अच्छा, यहाँ से इसका जो रेजिस्टेंट एरिया है वो 11 रुपये है। अच्छा, 11 को क्रॉस करता है तो 12 और 14 के दरमियान एग्जिट एरिया बनेगा। तो आपने करना ये कि अगर आप कोई ट्रेड कर रहे हैं और अगर आपने कोई हैवी वॉल्यूम के साथ ट्रेड किया है तो स्टॉपर लाजमी लगाएं, क्योंकि ये इसका भी जो हाल होगा हाई साइड पे जाने के बाद, जहाँ पे भी जैसे जो हमने एग्जिट एरिया बताया उस एग्जिट एरिया को अगर क्रॉस नहीं करता तो इसका हाल भी वही होगा जैसे माजी में होता है। अगर आप इसकी हिस्ट्री देखेंगे तो माजी में ये हाई साइड पे भी गया है और लो साइड पे भी गया है और 3-3, 4-4 साल तक दम भी रहा है। तो कोशिश करें स्टॉपर के बगैर इन आइटम्स में काम ना करें और बहुत बड़ी क्वांटिटी में काम ना करें इसके साथ। इसके अलावा हम दूसरे आइटम की तरफ आएंगे, कौसम में। कौसम जो है वो कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स है। कोहिनूर स्पिनिंग मिल अप्रैल और जून में 1.21 रुपये से स्टार्ट रहा और 2.09 रुपये तक गया, 1.56 रुपये पे क्लोज हुआ और 29 पैसे का इजाफा हुआ एक क्वार्टर में। जुलाई और सितंबर की बात करेंगे तो जुलाई और सितंबर में 1.61 रुपये पे ओपन हुआ और 3.40 रुपये तक गया, इसके अलावा क्लोज हुआ 2.44 रुपये पे, 88 पैसे का इजाफा हुआ, यानी 88 पैसे का इजाफा हुआ। सितंबर जब जो इसका थर्ड क्वार्टर स्टार्ट रहा उसमें 2.41 रुपये से इजाफा हुआ ओपनिंग हुई और 3.71 रुपये तक हाई गया, 3.67 रुपये पे क्लोज हुआ फ्राइडे वाले दिन। अगर देखा जाए तो 1.23 रुपये का इजाफा हुआ। अगर हम कौसम की यानी कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स की बात करें तो इसका जो रेजिस्टेंट एरिया है वो 4 रुपये का है। अगर 4 रुपये के लेवल को क्रॉस करेगा तो 6 रुपये से लेकर 8 रुपये तक जा सकता है। अदरवाइज सपोर्ट लेवल जो है वो इसका 3 रुपये का है और अगर 3 को ब्रेक करता है तो फिर ये आपको 2.5 रुपये से लेकर 2 रुपये तक मिल सकता है। इसमें ये कि इसमें गुंजाइश है हाई साइड पे जाने की, बट आपको जो स्टॉपर दिया है 3 रुपये का इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है और कोशिश ये करनी है अगर ये 4 रुपये को क्रॉस कर जाता है तो मिसाल 5 और 6 के दरमियान आ जाता है तो 5 से लेकर 6 के दरमियान बाइंग नहीं करनी आपने, क्योंकि ये एरिया इसका एग्जिट एरिया होगा और इसकी भी हिस्ट्री यही रही है कि पिछले सालों में ये हाई भी होता रहा है और हाई पे बहुत से लोगों ने इन्वेस्टर ने एक हैवी वॉल्यूम के साथ काम करना शुरू किया कि ज़्यादा जल्दी अर्निंग हो, लेकिन हाई साइड पे ये हुआ है कि ये फिर डंप हुआ है और 3-3, 4-4 साल तक ये नीचे पड़ा रहे। माइंड में जरूर रखें कि कौसम जो है 1.21 रुपये से चला हुआ स्टॉक है और इसका ये जो जिन लोगों ने भी होल्डिंग की या जिन लोगों ने इसको कॉर्नर किया वो इसको एग्जिट लेंगे, 4 से लेकर 6 के दरमियान एग्जिट ले सकते हैं। तो आपने भी कोशिश करनी कि उस हाई साइड पे बाइंग नहीं करनी और इस वक्त तो जैसे कि ये ऊपर की तरफ है तो ऊपर जा सकता है, लेकिन हाई साइड पे आपने इसको एग्जिट एक अच्छे तरीके से निकलना है। और न्यू इन्वेस्टर ज़रूर इसको देखें कि कोई हैवी वॉल्यूम के साथ ये अपना पूरा सरमाया एक ही स्टॉक में ना लगाएं, क्योंकि इससे ये होता है एक स्टॉक आपका डंप हो गया यानी कि डाउन हो गया तो इसमें ये होगा आपका नुकसान होगा और फिर आप दूसरी ट्रेडिंग नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे चकवाल स्पिनिंग मिल्स की, CWSM की। CWSM अप्रैल से जून में 1.21 रुपये 1.20 रुपये से स्टार्ट हुआ और 1.97 रुपये का हाई बनाया और जबकि 1.64 रुपये पे क्लोज हुआ, 41 पैसे पॉजिटिव क्लोज हुआ। अच्छा, अगर जुलाई से लेकर सितंबर की बात करें तो 1.75 रुपये पे स्टार्ट रहा और 1.91 रुपये तक हाई बनाया और क्लोज हुआ 1.91 रुपये में, यानी कि 27 पैसे का दूसरे क्वार्टर में इजाफा हुआ। सितंबर की बात करें तो 1.90 रुपये से चला और फ्राइडे तक 2.90 रुपये तक क्लोज हुआ, यानी कि 85 पैसे का इजाफा हुआ। ये जरूर याद रखें कि चकवाल स्पिनिंग मिल 1.20 रुपये से चला हुआ स्टॉक है और इस वक्त 2.90 रुपये अगर देखा जाए तो 100% से भी ज़्यादा प्लस हो चुका है ये, और रेजिस्टेंट एरिया जो बनता है इसका 3 रुपये का बनता है। अगर 3 रुपये के एरिया को ब्रेक और सस्टेन कर लेता है तो ये 4 रुपये से लेकर 6 के एरिया में जा सकता है और इसका सपोर्ट एरिया जो है वो 2 रुपये, यानी स्टॉपर और सपोर्ट एरिया 2 रुपये, अगर 2 रुपये ब्रेक करेगा तो 1.5 रुपये से लेकर 1 रुपये तक जा सकता है। लेकिन इसमें भी यही होता हुआ आया है माजी में कि ये आपका जो है वो 4 से 6 के दरमियान एग्जिट एरिया बनता है और फिर ये नीचे आ जाता है और फिर कई कई सालों तक ये चलता नहीं है। तो कोशिश ये करनी है जो जो रेजिस्टेंट एरिया क्रॉस करते जाए वही आपका सपोर्ट लेवल, वही आपके स्टॉपर बनते जाएंगे। हैवी वॉल्यूम के साथ 4 रुपये से अबव, 5 रुपये से अबव इसमें काम ना करें, क्योंकि इसमें नुकसान होने का डर रहता है आपकी आपके सरमाए का, यानी कि इसमें नुकसान इस तरह होता है कि आप हैवी वॉल्यूम से बाय करते हैं और आपका सरमाया टूट जाता है यानी कि कम हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें रावी टेक्सटाइल की, रावी टेक्सटाइल आपका जो है अप्रैल से जून में 1.26 रुपये से स्टार्ट रहा और 3.34 रुपये तक गया जून तक
और क्लोज हुआ 2 रुपये 70 पैसे पे, 72 पैसे का इजाफा हुआ रावी टेक्सटाइल में। जुलाई से सितंबर की बात करें तो 2 रुपये 80 पैसे पे स्टार्ट रहा और 4 रुपये 90 पैसे का हाई लिया और 4 रुपये 13 पैसे पे क्लोज हुआ, 1 रुपया 43 पैसे का इजाफा हुआ जुलाई से लेकर सितंबर के क्वार्टर में। सितंबर की अगर हम बात करें तो स्टार्ट रहा 4 रुपये 30 पैसे से और 5 रुपये का हाई मारा इसने, बनाया इसने, और फ्राइडे वाले दिन 5 रुपये पे क्लोज हुआ, 87 पैसे का इजाफा हुआ। देखा जाए तो रावी टेक्सटाइल अप्रैल से 1 रुपये 26 पैसे से स्टार्ट रहा और अब तक 5 रुपये हो चुका है। देखा जाए तो इसमें 3 से 350% इजाफा हो चुका है रावी टेक्सटाइल में और हाईली रिस्की साइड पर है। इसके अलावा अगर रेजिस्टेंस एरिया की बात करें तो रेजिस्टेंस एरिया इसका बनता है 6 से लेकर 7 और यही इसका एग्जिट एरिया भी बनता है। अगर ये 7 के लेवल को क्रॉस करेगा, यानी फर्स्ट 6 होगा, सेकंड 7 होगा, अगर 7 के लेवल को क्रॉस करेगा तो फिर ये 8 या 9 हो सकता है, अदरवाइज 4 के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो फिर ये 3 और 2 रुपये तक आ सकता है। जबकि देखा जाए तो रावी टेक्सटाइल हाईली रिस्की है और डेंजर स्टॉक्स में से है, और अगर आपने इस पर काम किया हुआ है तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये वो आइटम्स हैं जो पिछले तीन क्वार्टर से ये मुसलसल तेज़ी कर रहे हैं और इस जो क्वार्टर में जो स्टार्ट इसमें हाईली इन्होंने गेन किया है। होता यही है कि बड़े बड़े लोग, बिग प्लेयर्स करते यही हैं कि इन आइटम्स को बाइंग करते हैं एक लो साइड पे, फिर इनको जमा किया जाता है, फिर एक हाई साइड पे लाया जाता है, अब उसमें फिर इसको चलाया जाता है रोज़ाना, इसमें 50 पैसे 1 रुपये का गेन होता रहता है। होता ये है कि जब लोग इसमें जो न्यू इन्वेस्टर होते हैं तो वो क्या करते हैं कि एक बड़ी क्वांटिटी के साथ इसमें कूद पड़ते हैं, ये नहीं देखते कि वो आग में कूद रहे हैं, लेकिन ये कहीं आग इनको जला तो नहीं देगी। तो इसके लिए यही होता है कि अगर आप खुद भी रहें या आप ट्रेडिंग भी माइंड रख रहे हैं तो स्टॉप पर आपका लाजमी है, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो ये होगा कि आपका यही स्टॉक, मिसाल आपने 5 रुपये पे लिया और क्वांटिटी वाइज लिया और ये आ जाता है 2 रुपये पे, तो आपका सरमाया 50% से ज़्यादा यानी कि टूट जाता है। तो कोशिश ये करें कि जो हमने इनके रेजिस्टेंस एरिया बताए वहाँ पर इनकी प्रॉफिट टेकिंग करें, इनको हाई साइड पे ऐसा ऐसा प्रॉफिट टेकिंग है और हैवी वॉल्यूम्स के साथ इनके हाई प्राइस पर हैवी वॉल्यूम्स के साथ काम ना करें, क्योंकि अगर हैवी वॉल्यूम से काम करेंगे तो इनके टूटने का खतरा इस तरह ही होगा जिस तरह हम नेटवर्क का हाल हुआ है। हम नेटवर्क हमने आपको बताया कि लो से चला था, 2 रुपये से चला था और 17 रुपये 70 पैसे तक गया था, फिर इसका हाल 6 रुपये का हुआ। इसी तरीके से ये वाले आइटम भी, जो कौसम हो गया, चकवाल हो गया, ये भी नीचे से चले, बॉटम से चले और बॉटम के बाद हाई साइड पे जाएंगे और इनका हाल भी वही होगा जो हम नेटवर्क का हुआ है। ये आप इस बात को आप ज़रूर जहन नशीन कीजिएगा कि इनका हाल भी हम नेटवर्क जैसा ही होना है आगे चल के। तो कोशिश ये करनी है कि स्टॉपर के साथ और प्रॉफिट टेकिंग करनी हाई साइड पे, बाकी इनके जो रेजिस्टेंस एरिया बताएं उस एरिया तक ये मूव करके और ये डाउन की तरफ आ सकते हैं। भाई कोशिश करेंगे हम ऐसे मजीद आइटम आपके लेकर आते रहेंगे, अच्छे आइटम्स भी लाएंगे, उनके भी एग्जिट एरिया आपको बताएंगे ताकि आप उन एग्जिट एरिया पे बाइंग एंट्री ना करें और वहाँ से आप निकल जाएं और फिर दूसरे कोई स्टॉक्स की तरफ जाएं। तो कोशिश हमारी ये पूरी होगी। बाकी अगर आप हमारे प्राइवेट ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो प्राइवेट ग्रुप में इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी आपको, अच्छे आइटम्स की एंट्री, एग्जिट पॉइंट, ये सब आपको शेयर होता रहेगा। तो कोशिश करें कि अकाउंट ओपनिंग की तरफ आएँ और हमारे प्राइवेट ग्रुप को ज्वाइन करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन भवानी, अल्लाह हाफिज़।